last lecture doubts online guys? Last lecture koi doubt? Please comment. किसी को कोई डाउट है? पुणे टीम ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? यू गाइस प्रैक्टिस किया, समझा, बाउंस गया, सॉफ्टवेयर डाला ना पक्का? सब लोग ने डाला ना? नहीं आज डालेगा, तू तू तो नया दिख रहा है, है ना? तू न्यू है ना, फर्स्ट लेक्चर है आज। तो लास्ट लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, वो देख के रिकॉर्डिंग वीडियो के वजह से सब लोग ऑप्शन रहते हैं क्या? तुम लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है ना, वही बंद करना चाहिए, खाली जो ऑनलाइन लोग है ना उनको ही देना चाहिए। मैं आज बोलने वाला, मैं कंप्लीट ही करता हूँ। तो क्या होता है उन लोग को मालूम है, आराम से सोने का, फिर वो वीडियो देख के वो तो क्या सर वही बोल रहे हैं। तुम बेली वालों को स्किप करने बोलता हूँ वीडियो, लास्ट लेक्चर अपने आप आ जाएंगे सब लोग लाइन पे। नहीं क्यों ऑनलाइन, तुम लोग को क्यों ऑनलाइन आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम? उठने का टेंशन रहता है, 8 बजे उठने का ना? मैं नहीं उठता हूँ, मैं तो रात को 2 बजे सोया हूँ। फिर ओके, लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे हम लोग, कुछ बॉक्स देखा था, टीपॉट देखा था, राइट? दो ही ऑब्जेक्ट हमारे हुए थे इसके अंदर, और ऊपर जो हम लोगों ने देखा था मूव रोटेशन स्केलिंग, राइट? शॉर्टकट्स आपने लिखे। ऑनलाइन गाइज आप भी नोट डाउन कर सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में आप नोट डाउन करो। जो मैं शॉर्टकट्स बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग वीडियोस के ऊपर डिपेंड ज़्यादा मत रहना, क्योंकि एक शॉर्टकट के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है। उससे अच्छा आप लोग क्या करो, नोट डाउन करके रखो। आपने बुक खोल दिया, मेरे को ये शॉर्टकट की चाहिए थी, आपको तुरंत मिल जाएगी। एक शॉर्टकट ढूंढने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, मैं किधर बोला था, क्या बोला था, आपको याद नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा आप नोट डाउन करो और आपको परमानेंट अपने पास रहेगा वो बुक, ठीक है? अभी ऊपर के कुछ टूल्स है, ये जो बटन्स दिख रहे हैं आपको, वो थोड़ा हम लोग को आज स्टडी करना है, और ये अपना जो बाकी है वो ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे आज। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, राइट? स्केल ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये यूज पाइवट पॉइंट सेंटर, ये क्या है? समझो दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ओके? ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यस कमिंग कमिंग, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी बैठो। और नेक्स्ट ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये दोनों ऑब्जेक्ट में अभी ये कैसे निकाला मैं बताता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, ये कहाँ से आया, आपने ये कहाँ से निकाला, ये सब लोग अभी हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है? बता देता हूँ, चलो। शिफ्ट दबाने का, कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको कॉपी बनाना है, कॉपी करना है, तो आपको पूछेगा कि कैसे करेंगे आप। दो ऑप्शन है, एक तो राइट क्लिक, फिर बोलोगे क्लोन, यहाँ पे पूछता है कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस, ठीक है? मुझे कॉपी चाहिए थी इसलिए मैं कॉपी बोलूंगा, बट क्या होता है अगर मैं समझो ऐसा बोल दिया कॉपी, ओके, ऑब्जेक्ट साइड में नहीं है, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ओवरलैप होता है, देखेंगे अगर आप हम लोग इसको मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर छुपा था, ओवरलैप हुआ था। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे साइड में कॉपी चाहिए थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शिफ्ट दबा के रखने का, और जो डायरेक्शन में आपको चाहिए, जो भी एक्सेस में आपको जाने का है वो एक्सेस में उसको मूव करने का। आपको कितना डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, आप एज अभी मैं तो विजुअली कर रहा हूँ, हम लोग डायमेंशन से भी कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ओके, अभी इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कभी कभी क्या होता है, जब मैं मिरर करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मुझे दूसरा मिरर कर चाहिए, तो
इन लोगों की अलाइनमेंट चेंज होती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का जो भी सेंटर पॉइंट्स है वो बराबर सेंटर टू सेंटर है। इसके वजह से अगर कभी कभी नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है अपने को, अपनी जैसी अलाइनमेंट चाहिए वो हिसाब से मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अभी मेरा था सेंटर टू सेंटर में था इसलिए नहीं हुआ, देखते ये रख के क्या होता है। शिफ्ट हो गए दोनों, मुझे सेंटर, मुझे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही चाहिए, खाली उसका मिरर होना चाहिए। उल्टा हो गया, जो मैंने कॉपी बनाया था कुछ एक डोर है मेरा और वो मुझे चाहिए अंदर की साइड में खुलने के लिए, और वो दिख रहा है मुझे बाहर की साइड खुलने का, तो मैं उसको मुझे मिरर करना पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट मिरर होता है जब ही उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि तो वो सेंटर में नहीं रहेगा, उसका पाइवट पॉइंट आपने बराबर सेट नहीं किया रहेगा। आप अभी बोलोगे इतने सारे सीन में मैं किसी किसी का पाइवट कैसे चेंज करते बैठू बार बार, तो उसके लिए आपको ये टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेंटर पे लेना पड़ेगा, तब जाके बराबर वो खुद ही मिरर हो जाएगा या फिर दोनों की अलाइनमेंट एक लेवल में आ जाएगी। ओके, अभी हम लोग देख रहे थे कॉपी, ओके कॉपी देखे था हम लोगों ने, कॉपी मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉपी किया। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है क्योंकि सबका डायमेंशन सेम है, कॉपी वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है और दूसरे जो बाकी जो रिमेनिंग दो दिख रहे थे अपने को वो कौन सा है। तो क्या करेंगे, ये मॉडिफाई पैनल जो है हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं, उसके बाजू में होता है मॉडिफाई, मतलब हम लोग इसके डायमेंशन यहाँ पे चेंज करते हैं। उसके ऊपर ही ये दिख रहा है, ये कोने में इसका कलर दिख रहा होगा आपको, जो भी कलर इसके ऊपर क्लिक करो और आपको जो भी कलर चाहिए वो वाला कलर आप चूज करो। मैं फिलहाल ये कलर ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉपी है, मैंने ध्यान दिया, मुझे इसको चाहिए तो मैं इसको नाम देता हूँ कॉपी। मैंने इसको कॉपी नाम दिया, अभी मैं इसका ही आगे का ऑब्जेक्ट देखता हूँ, ठीक है क्या है, मैं इसको बना रहा हूँ इंस्टेंस, ठीक है इंस्टेंस दिख रहा है ना आपको बराबर इंस्टेंस। ओके इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कुछ कलर दूसरा रख देते हैं और इसी का ही बनाना है अपने को रेफरेंस। इसका कलर कुछ चलो इसका मैं पिंक, ठीक है ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कॉपी है, ये मेरा इंस्टेंस है, और ये मेरा रेफरेंस है, राइट। ओके अभी ये क्यों दिया है, तीन पार्ट क्यों दिए, देखो अगर मैं समझो ये मेरा ओरिजिनल है, मैं किसी ओरिजिनल को चेंज करता हूँ, क्या हो गया, कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है वो वैसे की वैसे है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इंस्टेंस और रेफरेंस दोनों में चेंजेस हो गए, राइट। तो अपने को समझो एक चेयर बनाई आपने या कोई एक टेबल बनाया, ऐसा है क्या कोई टेबल का एक लेग छोटा बड़ा कम ज्यादा रहता है, सबका सेम रहता है। अगर सब आपको उसका हाइट कम ज्यादा करना है तो आप क्या करोगे, एक ही लेग को हिलाओगे तो सबके अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक तो कॉपी रखना, इंस्टेंस रखना पड़ेगा या रेफरेंस रखना पड़ेगा, बट दोनों में ड्रॉबैक क्या है देखते हैं। ये जो है अगर मैं इंस्टेंस को पकड़ू और मैं इंस्टेंस में कुछ चेंजेस करूँ तो ओरिजिनल जो है वो भी चेंज होता है और रेफरेंस है ओरिजिनल चेंज हो गया, इसके वजह से रेफरेंस चेंज हो गया। देखो अभी रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस को कुछ सेटिंग ही नहीं दिया है, रेफरेंस एज अ रेफरेंस जैसा ही काम करता है। आप कोई भी डिजाइन बनाते हो तो आप एक रेफरेंस लेते हो, कोई अगर आपके डिजाइन में कोई एक शेप चाहिए आपको या कोई एक डिजाइन का कुछ एलिमेंट चाहिए आपको तो आप एक रेफरेंस लेके ही काम करते हो, ऐसा नहीं ना कि आपने खुद ने स्केच बना दिया आपके दिमाग से, अगर वो ऐसा करते हो तो वेरी गुड। तो रेफरेंस एज एक रेफरेंस जैसा ही काम करेगा आपका, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वो खुद मॉडिफाई भी नहीं होता है, वो दूसरा जब मॉडिफाई होगा तो वो हिसाब से वो मॉडिफाई होगा। मतलब क्या है कि ये सब एक दूसरे से लिंक है,
आपको ज्यादा इंस्टेंस काम आएगा, रेफरेंस नहीं आएगा, राइट? समझा? किसी को कन्फ्यूजन अभी भी? नहीं, इंस्टेंस, रेफरेंस, कॉपी, इजी है, ठीक है? ऑनलाइन गाइस, कोई आपको कोई डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज, चैट बॉक्स में आप डालो कि मुझे समझ में आया, कि आपको समझाए नहीं समझाए, मानेर, नो डाउट्स, ओके, थैंक्स। अभी ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, वो छोटा दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपका बड़े सीन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे अलग 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 डिजाइन भी वही हिसाब से रहते हैं। मोस्टली क्लासिकल में बहुत आपको दिक्कत आएगी कि वो ढूंढने में, मतलब वो एक्सिस जब चेंज करते हो या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करते हो, तो ये एक्सिस समझ में नहीं आता किधर है, क्या है। अभी आपने पास बहुत कम है तो मेरे को दिख रहा है, फ्रीली दिख रहा है वो, इसकी साइज है, हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड में प्लस करके मार्क रहता है, राइट? ऊपर वाला करना। कभी कभी किसी के पीसी है, किसके घर पे कंप्यूटर है, नहीं सबके पास लैपटॉप ही है ना, हाँ, तो आप ऊपर वाले जो है प्लस वाला, जो आपके नंबर्स के पास रहेगा, वो प्लस से आप इसको बढ़ा सकते हो, माइनस से इसको जैसा चाहिए वैसा छोटा कर सकते हो, ओके? मुझे इसको हाइड करके रखना है, मुझे अभी फिलहाल वो नहीं दिखाना चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं दबाऊंगा क्यू, क्यू प्रेस करूंगा, तो टेम्पररी वो हाइड हो गया है, वो गायब नहीं हुआ है, वो वैसे की वैसे। अगर आप देखोगे तो आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई देगी, एकदम स्लाइटली दिख रहा है, ग्रे कलर की लाइन डॉटेड में दिख रही होगी, राइट? वापस चाहिए आपको, मूव वाला कमांड चाहिए, अगेन मूव वाला कमांड जो है उसका आप ले लोगे, ठीक है? समझा? ये भी समझा, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है स्नैप, आपके ऑटोकैड में भी स्नैप है। ये स्नैप के ऊपर अगर क्लिक होल्ड करके रखेंगे तो आपको तीन टाइप के स्नैप देखते हैं, 2, 2.5, देन 3, ओके? टू जो है, कभी कभी क्या होता है, ऑटोकैड के लाइंस जो ड्राफ्टिंग अपनी प्रॉपरली नहीं होती है, ओवरलैप लाइंस, लाइन एक दूसरे को अटैच नहीं है, बीच में गैप रहता है, वो ड्राफ्टिंग में बहुत इश्यू होते हैं। तो वो टाइप अगर आपका स्नैपिंग पॉइंट नहीं पकड़ रहा होगा वो इश्यू के कारण, तो आप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलरली आपको 2.5 यूज करना है, जो भी आपने प्रॉपर ड्राफ्टिंग की है, नॉर्मल जो आपका चल रहा है वो टाइप पे आपको 2.5 का इस्तेमाल करना है, रेगुलर नॉर्मल लाइन। और जो 3 है, ये आपको जब 3D में, मतलब प्रस्पेक्टिव में स्नैपिंग चाहिए, मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट है उसको ट्रेसिंग करना है, उसको अलाइनमेंट, मेरे को लाइंस क्रिएट करनी है या कोई ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट करना है, तो मैं 3 का इस्तेमाल करूंगा। समझा? स्नैपिंग, ओके। स्नैपिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखता है, ये नया विंडो ओपन होता है, ये आपके ऑटोकैड में भी है, ये स्नैपिंग पॉइंट्स, मिडल, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे कुछ वर्टेक्स वगैरह आपको नए दिख रहे होंगे, पाइवोट वर्टेक्स, जो फेसेस, एज, ये आपके शायद ऑटोकैड में नहीं है, वो बताऊंगा मैं कि ये क्या करने से क्या होगा। फिलहाल मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ, तो किसी को भी वो नहीं होगा। अगर समझो मैंने ग्रिड पॉइंट लिखा, तो ये जो ग्रिड है अपनी, यहाँ पे स्नैपिंग करना चालू कर दिया। अगर समझो मैंने पाइवट पॉइंट बोल दिया, तो इसका पाइवट पॉइंट ढूंढेगा वो, ये देखो इसको इधर मिल रहा है, दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, तो उसके पास देखो नीचे बॉटम में जाके वो दिख रहा है, पाइवट पॉइंट पकड़ रहा है उसका। वर्टेक्स जो है अलग अलग है, आपको जैसे यूज होगा काम करते करते वैसा काम आएगा। वर्टेक्स पॉइंट का मतलब होता है जो कॉर्नर पॉइंट्स है इसके, वो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। आगे वर्टेक्स हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे ही, वर्टेक्स क्या चीज़ होती है। फेसेस, एक फेस दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट का एक साइड का देखो क्रॉस लाइन आ गई, स्प्लिट कर दिया वो जो फेस है उसको, स्प्लिट कर दिया वो फेस, इसलिए फेस दिख रहा मेरे को। देन मिडल पॉइंट चाहिए आपको, समझो तो ऑब्जेक्ट का मिडल पॉइंट बराबर पकड़ रहा है, ये वाला इधर पकड़ रहा है, इसको इधर लेते हैं, इसका ये साइड लेते हैं, मिडल पॉइंट पकड़ रहा है वैसा आपको स्नैपिंग है।
जैसा यूज होगा वो हिसाब से स्नैपिंग आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑप्शन में देखते क्या है, ऑप्शन में आपको एंगल ज्यादा काम आएगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सेटिंग ज्यादा छेड़ना मत, डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो नॉर्मल आपको जैसे यूज होगा वही हिसाब से करना। अगर आपने सेटिंग चेंज कर दिया कोई गलती से तो आपका इसका काम करने का जो तरीका रहेगा वो चेंज हो जाएगा। समझो मैंने यहाँ पे स्नैपिंग रेडियस वगैरह चेंज कर दिया या प्रीव्यू रेडियस चेंज कर दिया, तो आपको शायद ये स्नैपिंग जो पकड़ रहा होता वो बहुत बड़ा भी दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। आपने समझो 30-20 जो है अमाउंट आपने बढ़ा दिया, 100 उसके ऊपर कर दिया 200 वगैरह, तो वो भी स्नैपिंग का जो पॉइंट पकड़ रहा था ना वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। वो तो छोटा करना वगैरह वापस सेटिंग अगर आपको याद है आपने क्या किया है तो होएगा, नहीं तो फिर चला वैसे ही। तो छेड़ना मत, एंगल आपको काम आएंगे कि मेरे को कौन सी एंगल में रोटेशन करना है। डिग्री मालूम है ना, अपने मैथ्स में पढ़ा था 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो वो हिसाब से आपको डिग्री जो आपकी चाहिए 30 डिग्री या 45 डिग्री आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ओके तो अभी समझो मैंने कभी भी मैं रोटेट करूँगा ऑब्जेक्ट्स तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री में ही घूमेगा। ओके वो दिखा था आपको मैं कैसे करते हैं। यहाँ पे होम ग्रिड में कुछ करना नहीं है, ग्रिड की सेटिंग से यहाँ पे भी आपको कुछ गाइड्स की जरूरत नहीं है, अलाइनमेंट वगैरह जो ऑटो ग्रिड के हिसाब से चल रहा है वो चलने दो। ओके अभी मैंने 45 डिग्री सेट किया था, ये सबको मैं डिलीट करता हूँ। 45 डिग्री में सेट किया, अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ ई और मैं घुमा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा 45 डिग्री में नहीं घूम रहा है, मैंने तो सेट किया है बराबर। क्यों नहीं घूम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्नैपिंग है, अपना स्नैप जो हमने देखा था उसके बाजू में था ये एंगुलर स्नैप, मतलब वही जो मैंने 45 डिग्री में मैं रोटेट कर रहा था वो मुझे एंगल स्नैप ऑन करके मिलेगा। स्नैपिंग का शॉर्टकट की है एस, और एंगुलर जो स्नैपिंग था उसका शॉर्टकट की है ए। याद रखना आपको एंटर नाम की चीज यहाँ पे कोई भी यूज नहीं करनी है, यहाँ पे आप गलती से एंटर के कर समझ के स्पेस बार दबा दोगे तो ऑब्जेक्ट लॉक, ये उसका शॉर्टकट की है, जो ऑब्जेक्ट में पकड़ रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट मेरा लॉक होएगा स्पेस बार। स्पेस बार से। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया और मैंने स्पेस बार दबा दिया। तो मेरा ये लॉक ऑन हो गया, मैं ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, दिख रहा है ये आपको एरो दिख रहे होंगे, क्योंकि वो क्या क्या बोल रहा है, आपको जो भी करना है इसके ऊपर ही करना है। मैं अगर रोटेशन कर दूं और मैं इसको बोलूं तो मैं रोटेशन का साइन दिखाएगा, स्केल बोलूंगा तो इसके ऊपर मुझे स्केलिंग का साइन दिखेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वो काम होने वाला है, तो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, राइट। स्नैपिंग के लिए एस लिख दिया सब लोग ने, एंगल स्नैप ए, देखो एस दबा के स्नैपिंग ऑन था ऑफ हो गया, एंगल स्नैप ये ऑन है, ए दबा के ऑफ हो गया, वही ऑन ऑफ करने के लिए वही है। ठीक है फिर ये मिरर जो मैंने अभी दिखाया था आपको मिरर, तो मिरर करके देखते एक बार, ये ऑब्जेक्ट से मैं मिरर कर रहा हूँ, मुझे कौन सी डायरेक्शन में मिरर चाहिए, एक्सिस जो मेरा एक्सिस था एक्स वाई जेड, तो मैं वही हिसाब से करूँगा, एक्स के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, अगर समझो मुझे एक्स में ही चाहिए था, ठीक है मैं एक्स पकड़ के चल रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे लिखा है नो क्लोन, मतलब मुझे कॉपी नहीं चाहिए, खाली उसी को ही मुझे मिरर करना है। दूसरा तरीका है मुझे कॉपी भी चाहिए और मिरर भी चाहिए। ओके अभी आप बोलोगे आपने तो कॉपी कर दिया पर वो कुछ चेंजेस नहीं हुए, राइट चेंजेस नहीं हुए, या मुझे इंस्टेंस है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस क्या काम करता है, मैं कॉपी कर दिया बट कुछ चेंजेस नहीं हुए, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, मैंने बोला था क्लोन करने के बाद ओवरलैप होता है वही, पर अभी मैं इसको मूव नहीं करते बैठूंगा, मैं क्या करूंगा ऑफसेट बोलूंगा कि मुझे इसी का कॉपी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर चाहिए,
बराबर, समझा? हाँ, सबको समझा? किसी को कोई डाउट अभी भी नहीं ना? जो भी मेरा डिस्टेंस रहेगा मैं वो डिस्टेंस प्लेस करूंगा। ओके, क्लियर? अगर इसी का ही मुझे कॉपी चाहिए था दूसरे डायरेक्शन में, तो मैं इसके दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ। मिरर, देन मैं कॉपी वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में गया। अगर मुझे वही सेम जेड डायरेक्शन में चाहिए तो मैं जेड डायरेक्शन में रहूँगा, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे नीचे चाहिए था, तो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, तो वही हिसाब से आपको माइनस। माइनस में मैंने वैल्यू दी, ठीक है? वैसे ही सेम एक्स वाई जेड में भी आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग जैसे जैसे अभी थोड़ा सेटिंग वगैरह है, वो जो नेक्स्ट पार्ट वाले ऑब्जेक्ट, ये आपको ज्योमेट्री रिलेटेड जितने भी थे मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। अगर आप ये बाकी के जो दिख रहे हैं ये रेंडरिंग वगैरह, वो लास्ट वाले टॉपिक से हमारे, वही हिसाब से हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग थे यहाँ पे, राइट? बॉक्स मैंने दिखाया था आपको और मैंने आपको एक टीपॉट दिखाया था। अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उसके ऊपर काम करना चालू करें। मैं इसको बड़ा करता हूँ, बड़ी स्क्रीन, LW। मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था, आपको बॉक्स ड्रॉ करके दिखाया था, इसे लेंथ एंड विड्थ कहाँ से चेंज करते हैं आपको मालूम है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था मेरा? कोन। आइसक्रीम खाई सब लोग ने, उसके अंदर कॉर्नेटो का जो कोन होता है वैसा ही लेंथ कोन है। मेन बेस बनेगा पहला, कितना रेडियस रहेगा, फिर आपको खाली माउस मूव करना है कितनी हाइट रहेगी उसकी, एक क्लिक करो, देन इसका पॉइंट कैसा चाहिए आपको, एकदम पॉइंटेड से शार्प पॉइंट, या फिर ऐसा चाहिए टेपर वाला आप जैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोन बोला तो वो कोन ही बना के देगा डायरेक्टली। ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिए उन्होंने ज्योमेट्री के हिसाब से, आपको ये ऐसा वाला भी चाहिए या ऐसा वाला भी चाहिए या ऐसा चाहिए, वो डिपेंड है, क्योंकि शेप लाइक दैट कोन है, तो मुझे जो हिसाब से चाहिए मेरा जैसा ज्योमेट्री रहेगा वही हिसाब से मैं इसको बना सकता हूँ। ओके, देन एक बार क्लिक करो ऑब्जेक्ट कंप्लीट, कमांड बंद कर दो, या चाहिए तो मूव रोटेशन या दूसरी कमांड दे दो या एस्केप कर दो उसको। मॉडिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। रेडियस 1, मेन मतलब बॉटम वाला रेडियस आपका छोटा हो गया, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। ऊपर वाला रेडियस आपको अगर पॉइंटेड चाहिए था, मेरे से गलती से मेरा वो पॉइंट नहीं बना, तो मैं इसको बना सकता हूँ वापस। ऐसा नहीं एक बार बना दिया तो बना दिया, नहीं, इसके बार आप मॉडिफिकेशन आपके हिसाब से कर सकते हो। हाइट भी चेंज करनी है मुझे, मैं हाइट भी चेंज कर सकता हूँ, ये नॉर्मल जो बर्थडे में कैप पहनता है ऐसा, ये फिर ऐसा जो टेम्पल्स में जा रहता है ऐसा, जैसे कोन्स की ज्योमेट्री बनती है वही हिसाब से हाइट में सेगमेंट्स की जरूरत है क्या। अभी सेगमेंट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर, मेरे को आप बताओ सेगमेंट में कहाँ से देखो अभी। पढ़ाई किया ना कल के दिन, कैसे लाऊंगा मैं, मुझे सेगमेंट देखने है अभी। वो तो मैं मिनी माउस लेके गए इसलिए। शॉर्टकट क्या है, मेरे को शॉर्टकट बताओ आप, मैं क्या दबाऊं अभी, मैं बताया था ना आपको? हाँ, नहीं बताया था? F3 राइट, F3 दबाऊंगा तो मुझे देखना चालू हो जाएगा, बराबर? वापस मैं F3 दबाऊंगा तो मेरा सरफेस मोड वापस आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सरफेस मोड में ही वायर दिखना चाहिए, बराबर है? जो लाइन से वायर वो तो मुझे सरफेस मोड पे भी दिखना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये एज्ड फेस, इसका शॉर्टकट है F4। ओके, F4 दबाऊंगा मैं, F4। ओके, दिखना चालू हो गया, ये दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है। सेगमेंट आपको जो भी है सबसे चाहिए, आपको कम ज्यादा करना है,
आपको हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल कुछ जरूरत नहीं लग रही कि कुछ चेंजेस होएंगे ऑब्जेक्ट्स में, नहीं मुझे जरूरत काफी होगी ये साइड्स में। अगर ये अभी देखेंगे तो 24 है, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो और स्मूथ होएगा, मैं इसको कम करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, पिरामिड ऐसा बना सकते हो, या फिर आपको पेंटागॉन हेक्सागॉन जो शेप बनता है वो भी बना सकते हो डायरेक्टली इससे ही। मतलब एक कोन के से अपने को कितने सारे शेप मिले, राइट? अभी आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना इधर, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मेरा ऑन है, मैं स्मूथ ऑफ करूंगा, देखो स्मूथ। अगर आप समझो ये स्मूथ ऑन नहीं रखते हो और आपने सेगमेंट बढ़ा साइज बढ़ा दिए तो कोई मतलब नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं है तो वैसे क्रुकेड ही दिखने वाला है, उसके ऊपर लाइन्स लाइन जिगजैग दिखनेगी। तो उसको स्मूथ बनाने के लिए आपको स्मूथ ऑन करना पड़ता है मैन्युअली, अगर बाय डिफॉल्ट तो रहता ही है, अगर समझो आपने बंद कर दिया तो वो आप कितने भी सेगमेंट डालोगे तो वो स्मूथ नहीं होने वाला है, वो लाइन लाइन दिखेगा ही क्योंकि उसका स्मूथनेस आपने हटा दिया है, राइट? अभी स्लाइस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मुझे काटना है। जब आप देखोगे इसको टॉप में है तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा, इसको सॉलिड बनाता हूँ डिफॉल्ट ऐसा, ठीक है? ये ब्लैक दिख रहा है, ऐसा नहीं कि स्मूथ होने इसलिए ऐसा दिख रहा है, वो इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट लाइट्स रहते हैं खुद के, जो अपने को सीन में ऑब्जेक्ट है वो दिखाने का काम करते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आप रेंडरिंग का लाइट्स ऑन करते हो तो वो मैनुअली अपने आप ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए इसका वो शेडो दिख रहा है मुझे, ब्लैक नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसको घुमा के देखूंगा पर्सपेक्टिव में तो बराबर दिखेगा। स्लाइस मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे बता रहा है स्लाइस फ्रॉम स्लाइस टू, दोनों 0-0 है। ओके, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मुझे कोन का ही स्पेसिफिक पीस चाहिए तो मैं इसको काट सकता हूँ, क्लियर? ज्योमेट्री बराबर समझ के लेना, अगर ज्योमेट्री समझ गए तो आप डिजाइन बना सकते हो, ज्योमेट्री का पैरामीटर नहीं समझा तो डिजाइन आपको बनाने में कॉम्प्लिकेशन होंगे। मैं एक साइड से कर रहा हूं, अभी आप बोलोगे मुझे ये साइड से चाहिए, कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल 0 मेरी अमाउंट थी या फिर 120 था मेरा, तो मैं यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर? समझा? किसी को नींद आ रहा है, घंटा लाया, नींद आ रहा है? नहीं ना, वो छान बैठ गई। समझा कौन क्या था? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं अभी, पुणे स्टूडेंट्स कोई डाउट? गाइस एनी डाउट? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज चैट में लिख देना येस और नो। ओके थैंक यू। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मेरा स्पीयर। ओके, स्पीयर क्या रहता है, जो हमने गोला देखा है स्पीयर, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा रहेगा, वैसा ही रहेगा, कुछ अलग तो नहीं रहेगा, ज्योमेट्री ज्योमेट्री होती है। ओके, स्पीयर इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं? वो अगर वो राउंड शेप है तो ऑब्वियसली उसके अंदर रेडियस ही आने वाला है, ये तो आप भी जानते हो। देन सेगमेंट्स आपको कैसे चाहिए, आपके स्मूथनेस के हिसाब से आपको सेगमेंट्स को कम ज्यादा करना है, आप बढ़ा सकते हो। भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मैन्युअली चेंज कर सकते हो, नहीं, ऑब्जेक्ट टोटली राउंड है, उसका टोटली शेप ही राउंड है तो एक साइड से हम लोग नहीं कर सकते, है ना? अगर मैं इसको बोलूं हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है इसको काटने का है मुझे, ऐसा कुछ गुंबद रहते ना, गुंबद मस्जिद में वगैरह, डोम, मकबरा वगैरह बनाते ना, तो उन लोग का मुस्लिम आर्किटेक्चर का गुंबद बनाने का स्टाइल ऐसा कुछ है। अपने जो बनते हैं हिंदू टेम्पल जो बनता है, सर वो
लगभग ऐसा रहता है ऐसा। हेलो सर, और इसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट रहती है वो पर अपना, ओके आप देखो टेम्पल में कभी जाते हो राउंड रहता है शेप, है ना, और ऊपर से भी आप देखोगे एक्सटीरियर साइड वाला तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। या थोड़ा इसको स्केल वगैरह होता है लाइक दैट कुछ समथिंग, कभी कभी अभी आर्किटेक्चर लोग थोड़ा चेंजेस करते हैं थोड़ा खुद का क्रिएटिविटी दिखाने के लिए वगैरह, ऐसा लगभग ऐसा कुछ बना देंगे। जरा कोई चार्जर लेके आएगा प्लीज प्लीज, जल्दी जाना, कोई भी जाना जल्दी, ये लगेगा इसको ओके मालूम नहीं मुझे, ना 2 मिनट मैम से चार्जर लेके आऊँ, तो बोला था मैं। टू हेलो मिनट गाइस, सर, जरा बैटरी डाउन हो रहा है। नहीं है लगा देना, इधर लगा नहीं, मेरे को लगा देता हूँ। ठीक है, इतना समझा। हम लोग हेमिस्फीयर देख रहे थे, ओके, देन स्लाइस, जैसा उन्होंने कोन में स्लाइस किया था सेम यहाँ पे भी होगा। अभी आपको कभी शेप ऐसा रहेगा, और ये सरफेस मुझे नहीं चाहिए रही, आप इसको निकाल भी सकते हो। अभी यहाँ ये ऑप्शन में नहीं निकाल सकते, इसको मॉडिफिकेशन जब करते हैं, एक टॉपिक होता है एडिटेबल पॉली करके, वेरी स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है वो, एडिटेबल पॉली में से आप कुछ भी बना सकते हो, दुनिया का कुछ भी आउटफिट बना सकते हो। अगर पॉली एक बार आपके दिमाग में बराबर बैठ गया ना, बस जीत लिया आपने, फिर इसको कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आदमी बनता है, एनिमल बनता है, गेमिंग के कैरेक्टर्स बनते हैं, बाइक, कार, लैपटॉप, माउस, मोबाइल, कुछ भी बना सकते हो, बट उसका एक टेक्निक जो है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए बस। तो वो टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मेरा को ऐसा दिखाने का था, मैंने एक बीच में डिजाइन बनाई थी, ऐसा ही कुछ शेप है, और इसके अंदर का ये वाला अंदर ये सरफेस नहीं होगा, ऐसा राउंड है, ऐसा काटा है वॉल में, ऐसा पंक्चर मारा है हम लोगों ने, प्लाई में बनाया था। तो वो डिजाइन मुझे याद आया, तो इसलिए थोड़ा शेयर कर दिया, ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ था उन्होंने बनाया था, मैं एक जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट मैंने बेस शेप जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डिजाइन बनाते वक्त मेरा मेन एलिमेंट ये था, अगर वैसा कुछ शेप मुझे बनाना था तो मुझे स्पीयर लेना पड़ेगा, ये मुझे क्लिक होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर आपको कोई वॉल में ऐसा पंक्चरिंग करने में बोलूंगा ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो, भाई आठ बजे का लेक्चर है, तुम 9 बजे आओगे, ट्रेन सर, नहीं मिली क्या। सर ये मैंने सब ऐसा डिलीट मार दिया था, ओके, ऐसा अंदर से ऐसा। और इसके ऊपर अंदर सेटिंग बीटिंग दिखाई थी, आपने शायद ये प्रिंटरेस्ट में वगैरह भी देखा रहेगा, वो टाइप करके उन्होंने लगभग वही रेफरेंस लेके उन्होंने डिजाइन करते हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं है जो कोई रेफरेंस से काम नहीं करते, कुछ लोग हैं ऐसे जो चुने हुए जो खुद के डिजाइन बनाते, मोस्ट ऑफ डिजाइनर्स मोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स
एक डिजाइनर को फॉलो करते हैं या रिसर्चिंग ऑन प्रिंटरेस्ट एंड और गूगल, अब जैसा जो भी जिसका स्टाइल रहेगा वो हिसाब से वो डिजाइन करता है। ओके, ऐसा मुझे कुछ शेयर करना था इसलिए मैंने आपको ये दिखा रहा था। मैं आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा। अंडू ज्यादा लिमिट नहीं हो रहा है, इसको डिलीट मारते हैं, नया वापस बनाते हैं। ओके, हम लोग ऐसे कुछ थे और मैंने आपको स्लाइस दिखाया था, राइट। ओके, स्लाइस जैसा हम लोगों ने कोन में पढ़ा था वही है। अगर आपको यहाँ से करना है, ऐसा कुछ करना है, एक बार आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भी इसका काम करने का तरीका कैसा है। जस्ट बेसिक बेसिक है अभी ये सब, आगे आगे और थोड़ा डिटेल में आएगा। ओके, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, मेन बेस, रेडियस, इसको बनाने का तरीका आपने सब लोगों ने देखा था, बॉक्स में जैसी स्टाइल है सब में वैसी स्टाइल है। मेन बेस जब बनता है तभी आपको माउस छोड़ना नहीं है। ओके, क्लिक दबा के रखना पड़ता है, और एक बार ये बेस बन गया तो उसको छोड़ दो, अपने आप इसकी हाइट जो भी रहेगी वो हाइट ले लो। ओके, इतनी हाइट मेरी, और एक बार क्लिक करो तो ऑब्जेक्ट रेडी हो गया मेरा। ठीक है, एस्केप, मेरा कमांड कंप्लीट हो गया, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे, बराबर। मॉडिफिकेशन, ऑब्जेक्ट राउंड है इसलिए रेडियस दिखाएगा मुझे, वही सब से मुझे हाइट जितनी भी चाहिए थी, मेरा हाइट कम चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। ओके, फिर सेगमेंट्स मुझे चाहिए तो मैं सेगमेंट डालूंगा, नहीं ज़रूरत है तो मैं नहीं डालूंगा, अनवांटेड सेगमेंट्स नहीं चाहिए अपने को। अगर आप सेगमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, अगर दिए आप डालोगे, समझो मैंने हाइट में डाल दिया, कुछ चेंजेस भी नहीं हो रहे थे फिर भी मैंने मैंने डाला है, तो क्या होता है आपका सिस्टम धीरे धीरे जैसा जैसा आपका ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे लैग होएगा, काम करना बहुत स्लो करेगा। दूसरी चीज, लास्ट जो हम लोग देखने वाले, रेंडरिंग, जब रेंडरिंग होता है तभी ओवरऑल सीन में ये पूरी जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर क्या मटेरियल है, इसके अंदर कितने सारे सेगमेंट्स है, इसके अंदर कितने सारे फेसेस है। फेसेस मतलब ये एक फेस हो गया, ये दो लाइन मिला के बीच में ये एक फेस बनता है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हाइट में तो इतने सारे फेसेस बनते हैं, 1 2 3, ये छोटे 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 कितने सारे फेसेस है, कितने सारे सेगमेंट पड़े, इन सबको काउंट करता है, फिर आपका रेंडरिंग चालू करता है। वो जो प्रोसेस है वो आपका बहुत स्लो होएगा, फिर आपका टाइम बढ़ेगा, तो वो नहीं होने के लिए अपने को जितने सारे सेगमेंट की जरूरत है वो यूज करो। आप आगे आगे जाके कभी 3D में आपको बहुत इंटरेस्ट आ गया, समझो अपने ओनली में मुझे खाली 3D में ही करियर करना है, कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बहुत जन करते मेरे अपने फ्लोरेट के भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कुछ हो गए जिनको को 3D अच्छा आने लगा, वो ओनली 3D में ही घुस गए, अभी वो इंटीरियर डिजाइन लाइन उन्होंने एज अ पार्ट टाइम रखा है, फ्रीलांसिंग लेवल रखा है, लोग 3D में स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो रेंडरिंग जो है आपका ज़्यादा नहीं बढ़े इसलिए आपको जितने सारे सेगमेंट की जरूरत है वो यूज़ करो। जॉब ढूंढते हो तो अभी आपको एक रिक्वायरमेंट रहती है, लो पॉली मॉडलिंग, जो अभी मैं बोला ना एडिटेबल पॉली, वही लो पॉली मॉडलर, खाली आपको एक मॉडलिंग करके देना, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट बना के देना, लो पॉली मतलब जितने सारे आप कम सेगमेंट यूज करके जो बनाते हो फाइन ऑब्जेक्ट्स, तो आपका जॉब इजीली उधर वहाँ पे हो जाएगा ऐसा। अगर आपको यही करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप इसमें करियर करो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी इसी भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने कभी आएगी, ठीक है। सेगमेंट मुझे चाहिए तो मैं रखूंगा कैप सेगमेंट्स। अभी कैप क्या होता है, इसके ऊपर जो वाला जो हेड है ये यहाँ पे उसका कैप्स आने वाला है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को उल्टा देखूँ, समझो ये मैंने रोटेट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि इसको ये पूरा उल्टा ही हो गया है, नहीं, ये भी साइड इसकी कैप बन सकती है, मतलब समझो ऐसा देख रहा हूँ मैं, तो इसका भी हेड ये हो गया। हम लोग देखते हैं, कैप डालते हैं इसके ऊपर सेगमेंट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सेगमेंट कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए, नहीं, आपको वो फिर वो मैन्युअली प्लेस करना पड़ता है, वो भी टॉपिक है एडिटेबल पॉली में ही। मैन्युअली जब काम होएगा वो सब एडिटेबल पॉली के अंदर ही होता है।
तो सेगमेंट्स आपको अगर यहाँ पे जरूरत है तो आप डालोगे, नहीं जरूरत है मत डालना। फिर साइड्स, अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा ऐसा दिखता है, राइट। मुझे स्मूथनेस चाहिए तो मैं सेगमेंट और प्लेस करूंगा, मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं और ज़्यादा नहीं डालूंगा। मैंने 44 डाला है, अगर मेरा काम 40 के अंदर होता है क्या? हो सकता है, मुझे इतना भी ठीक है, और चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट है ही है तो मैं और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, राइट। समझा, सबको समझा? देखते हैं अभी इसका मैं कम करूँ तो क्या बनता है। ट्रायंगल स्क्वायर हेक्सागन, आपका जैसा चाहिए, जितने साइड चाहिए वही साइड का आपको ऑब्जेक्ट ये बनेगा, वो भी ये शेप में। कोन में भी आप बोले ऐसा ही था, बट कोन में कैसा है, ये जो ऊपर का रेडियस है वो चेंज कर सकती है, इसके अंदर ऊपर का रेडियस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप रेडियस चेंज करेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्ट चेंज रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है या मैं वापस करके दिखाओ? वो जन कोन और सिलेंडर डिफरेंस होता है दोनों में, वो समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठते। मैं अभी ऐसा कुछ बना रहा हूँ और इसके साइड में काम कर रहा हूँ। ओके, रेडियस वन रेडियस टू नाम की चीज इसके अंदर है, ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर एक ही चीज रेडियस, ओनली वन रेडियस, ओवरऑल रेडियस, राइट। समझ में आ रहा है? कुछ लोग नए हैं, समझ में आ रहा है उनको? यानी कोई डाउट है? नहीं, डिपेंड से इसका क्वेश्चन ऐसा है, समझो मैंने साइज बढ़ा दिया तो लैग होएगा, नहीं ऐसा नहीं कि तेरे को उतनी जरूरत है तो तेरे को डालना ही पड़ेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता इसके, कि वो चाहिए तेरे सीन में, तेरा डिजाइन में उतने सेगमेंट की जरूरत है, वो टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी होता है कभी, समझो अपने मेरा अभी हमारे भी सीन ऐसे होते हैं, हमारे 64 GB 128 GB रैम वाले सिस्टम भी लैग होते हैं, कि सीन उतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें अंदर डिजाइन बहुत सारे एलिमेंट्स एलिवेशन ट्रीटमेंट्स के कारण। तो एक इसके अंदर वीरे ने, जो हम लोग वीरे पढ़ने वाले, इसके अंदर वीरे प्रॉक्सी करके एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक वीरे प्रॉक्सी, मतलब यह जो आपका ऑब्जेक्ट है आपको खाली रेंडर में दिखाएगा, डिस्प्ले में खाली बॉक्स दिखाएगा, ऐसा भी एक तरीका है। दूसरा तरीका एक ऐसा होता है, अगर आपको फ्रॉक्सी नहीं करना है तो फ्रॉक्सी में क्या होता है, अगर उसने आपने फ्रॉक्सी कर दिया तो वो आप एडिट नहीं करते, उसको एडिट नहीं कर सकते, कन्वर्ट हो जाता है, टोटली कन्वर्ट होएगा, उसके अंदर आपको एडिट नहीं करने को मिलेगा। समझो ये ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रॉक्सी किया, ये सब इसके जो पैरामीटर्स है ये मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पैरामीटर भी चाहिए और मुझे ऑब्जेक्ट भी लाइट वेट होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी करके एक नाम की चीज होती है, और यहाँ पे रहता है डिस्प्ले एज अ बॉक्स। ओके, तो क्या आएगा, आपको बॉक्स दिख रहा है, बट जब मैं रेंडर करता हूँ ना तो मुझे दिखेगा। अभी रेंडर करना देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, यहाँ पे आपका रेंडरिंग होता है, ये रेंडर प्रोडक्शन, राइट। ये नहीं चाहिए मुझे फिलहाल, मैं ये बंद करके रखता हूँ, ठीक है, इसको साइड में डालते इधर। ओके, ये है आपका रेंडर प्रोडक्शन, मतलब क्या है, आपने जो भी बनाया ना ये क्लिक करो, आपको दिखना चाह रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्शन होता है, ये आपका फाइनल जो भी आउटपुट है वो ये रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको बॉक्स दिख रहा है, वो भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट जब मैं रेंडर करता हूँ मुझे क्या दिखता है, बॉक्स दिखता है। तो ऐसे कुछ हेवी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जिसके अंदर सेगमेंट ज्यादा है और आपको वो लगता है कि इसके वजह से मेरा सीन लैग होता रहेगा या मेरा पीसी नहीं चल रहा होगा, तो आपको उसको राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले एज ए बॉक्स ये कर दो ऑन, उसके बोल दो ओके। ये मैं आगे बताने वाला था आपको, बट अभी चलो ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था तो ओके, वापस आ गया, ऑफ कर दिया, वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है अपना वो देखते हैं, ट्यूब।
अभी ये ट्यूब जो है, आपको लगेगा सिलेंडर ही बना रहा हूं, नहीं, कितना थिकनेस रहेगा इसका, और ये एक बार क्लिक कर दिया ट्यूब। ओके, इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या है, रेडियस वन जो बाहर कितना रेडियस रहेगा ओवरऑल, मतलब इसका आप थिकनेस बोल सकते हो उसकी, और रेडियस टू अगर आपको अंदर की तरफ से बढ़ाना है, बाहर की तरफ से बढ़ाना है, आपके ऊपर है। हाइट आपको जैसे हाइट रहेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेगमेंट्स जरूरत है तो डालेंगे, नहीं चाहिए तो जीरो। कैप में सेगमेंट, जैसे सिलेंडर में कैप दिखाया था, सेम कैप यहाँ पे आएगा, ये थिकनेस के अंदर आएगा। ओके, फिर साइड्स आपको जैसे चाहिए वो हिसाब से आप साइड लोगे, बराबर। ओके, समझा। देन स्लाइस, आपको जैसे स्लाइस करना है, कर्व वाली वॉल है मेरे पास, अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा कि मेरा काम होता है तो ठीक होएगा ना, क्यों नहीं होएगा। आपका वॉल ऐसा बना है कुछ, ये समझो ये ब्लैक लाइन है ना मेरी, ये मेरी वॉल है, मुझे ऐसा कुछ शेप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को उठा के प्लेस कर दूंगा यार, इसको बंद करता हूँ, स्लाइस ऑन कर देता हूँ, ये जैसा चाहिए वही सबसे मैं रखूंगा, ये मेरा ऐसा कुछ रहेगा, और ये बॉटम में से मैं इसको कम कर दूंगा, खत्म एक ऑब्जेक्ट के अंदर, समझा। पुणे का समझ में आ रहा है सर, पुणे स्टूडेंट प्लीज कमेंट करो जो भी डाउट्स रहेगा, जो चैट बॉक्स में लिखना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। पिरामिड, आपने पिरामिड थोड़ी देर पहले बोला था कौन में, ये अलग ही दिया उन्होंने पिरामिड, आपको अगर पिरामिड जैसा शेप चाहिए डायरेक्टली पिरामिड कुछ चाहिए वैसा पिरामिड बना। लेंथ विड्थ आपको जैसी रहेगी इसकी, कम ज्यादा करना है, बचपन में हम लोग घर बनाते थे ड्राइंग्स में तो ऐसा ही कुछ रूप बनाते थे, तो ऐसा कुछ बना रहे आपको बना दो। डेप्थ जो भी रहेगी, हाइट जैसा चाहिए आपको ये हिसाब से, ठीक है, और इसके अंदर बीच में सेगमेंट्स की जरूरत रहेगी तो यू कैन पुट सेगमेंट्स, अलग अलग सरफेस, ये तो अपोजिट साइड में भी आएगा, यहाँ पे तो इसके अपोजिट साइड में भी आएगा। हाइट जो भी है इसकी हाइट कॉमन है, इसीलिए हाइट कॉमन दी है, तो हाइट में एक ही बार आएगा। आप बोलोगे फिर वहां पे क्यों नहीं दिया था, ऑब्जेक्ट की जो बनावट है वही सबसे सेगमेंट दी है, यहाँ पे कैसा था लेंथ एंड विड्थ अलग अलग है, कैसे बॉक्स में था बराबर है, तो वही हिसाब से उन्होंने सेगमेंट दिया, विड्थ विड्थ के हिसाब से सेगमेंट, डेप्थ जो भी है वही हिसाब से सेगमेंट, हाइट सबकी कॉमन रहती है, ऐसा नहीं है ये छोटा ये बड़ा है, तो वही हिसाब से हाइट में कॉमन सेगमेंट्स, राइट, समझा, सबको समझाए, न्यू गाइस को ये उसको डाउट है, नहीं हाँ बोल रहे हो सब लोग यार, टीपॉट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टीपॉट्स, ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स है, आप बोलेंगे ये ज्योमेट्री में कहाँ से है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ना, ये तो ज्योमेट्री है, ये टीपॉट ज्योमेट्री में कहाँ से आया, ये तो किचन में आने वाली काम है, या चाय की दुकान में आने वाली काम है। क्या था जब पहले जब ये सॉफ्टवेयर बना था ना, डेवलप हुआ ना सॉफ्टवेयर, सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही था, यही था, ये बॉक्स भी सब बाद में जैसा जैसा मॉडिफिकेशन होते गए। अब देखो बहुत, अगर लकीली आपको वो वाला वर्जन मिल गया रहेगा, मेरे को तो नहीं मिला, अगर आपको बिल मिल गया समझो तो कहाँ से भी, तो आप देखना ज्योमेट्री के अंदर ओनली टीपॉट दिखेगा यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए आपका रेंडरिंग का आइकॉन भी वही है, मतलब ये सॉफ्टवेयर ने पहले चीज जो भी रेंडर की रहेगी वो क्या थी, टीपॉट, इसीलिए उसका आइकॉन ही कर दिया, आज तक है 2023 भी डालो आपको इसका आइकॉन टीपॉट ही मिलने वाला है, अलग कोई नहीं है।
टिपॉट के अंदर क्या होगा? रेडियस और इसके बॉडी पार्ट्स दिए। अगर आपको समझो बॉडी नहीं चाहिए तो आप बॉडी बंद कर सकते हो, हैंडल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऊपर का ढक्कन नहीं चाहिए। ये कब बन गया? ये बन गया मेरा ओरिजिनल टिपॉट। तो भी क्या करते थे लोग मालूम है? ये सब बंद करके जैसा शेप चाहिए ना मुझे, ये बेसिक शेप ऐसा चाहिए, तो ये सब बंद करके इसको कन्वर्ट टू पॉली एडिट। कन्वर्ट टू पॉली करने के लिए आपको कोई ना कोई एक शेप की जरूरत होगी, बेसिक शेप जैसा मैंने दिखाया, जो मैंने राउंड वो स्पीयर में काट के हम लोगों ने बनाया था डिजाइन, तो वो डिजाइन बनाने के लिए मुझे स्पीयर की जरूरत होगी, क्योंकि अंदर से तो राउंड है, वो मैं राउंड कहाँ से लेके आऊंगा? और राउंड बनाने के लिए मैं तो इतना शेप मेंटेन नहीं कर सकता, तो मेरा मेन बेस ऑब्जेक्ट था स्पीयर। स्पीयर को बराबर वो शेप में बिठा दिया, उसको काट दिया, खत्म। ओके, इसके अंदर कुछ ज्यादा ये नहीं है, दिया था पहला ऑब्जेक्ट, अभी भी रखा है। ये कौन सा वर्जन है? 2021, अभी भी है, 2023 में भी है। प्लेन प्लेन सरफेस है, ओनली सरफेस है, इसके अंदर थिकनेस नाम की कोई चीज नहीं रही, पेपर जैसा, प्लेन पेपर जैसा। फिर इसके अंदर आपको जो भी सेगमेंट्स चाहिए, जो हिसाब से रहेगा आपका डिजाइन, वो हिसाब से आप उसको प्लेस करो। ठीक है, समझा? लेंथ एंड विड्थ जो भी रहेगी आपकी, वो हिसाब से लेंथ एंड विड्थ सेट करो, बराबर। फिर यहाँ पे दिखाया है रेंडर मल्टीप्लायर स्केल एंड डेंसिटी, ये क्या चीज है वो भी देखते क्या है। ये सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, मैं बंद कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, ये मैं रेंडर कर दिया। ओके, इसने क्या बताया मेरे को? रेंडर मल्टीप्लायर्स एंड दिया नीचे स्केल डेंसिटी। ओके, स्केल का मतलब, स्केल का मतलब साइज बढ़ाने के लिए हम लोग स्केल करते हैं, राइट। मैं इसको करता था 10, कुछ नहीं किया मैंने, खाली 10 कर दिया, वापस बोल दिया यहाँ पे रेंडर का बटन है, रेंडर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स मेरा रेंडर में 10 गुना स्केल हो गया है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट छोटा रखा है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, और उसको आपको रेंडर में बड़ा दिखाना है, तो आप उसको मतलब प्लेन की बात कर रहा हूँ, क्यों ये क्यों दिया है? इसका रीजन ये था, ओनली प्लेन में है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं था। देखा आपने, अगर ध्यान रहा रहेगा, अगर आप सोए नहीं रहोगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये खाली रेंडर में अपना प्लेन में ही दिया है। क्यों दिया है? आपका कोई समझो एक आर्किटेक्चर सीन है, या कोई गेम बना रहे हो, बड़ा गेम, ये सॉफ्टवेयर गेम में भी काम आता है, गेम बना रहे हो, गेम का वर्ल्ड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बराबर है। जब गेम बनेगा तो उसका नीचे का धरती तो बनेगा कुछ तो, राइट, लैंड तो बनेगी, तो उसके ऊपर गेम डिजाइन होगा ना कुछ तो। आप जंगल बना रहे हो, या फिर कोई बिल्डिंग के अंदर अलग अलग वॉर्स है, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग हो, स्टेज रहेगी वैसा, तो उन लोग क्या करेंगे? इतना प्लेन थोड़ी बनाते बैठेंगे, बड़ा बड़ा इतना मीटर मीटर में काम रहेगा उसको, उन लोग एक छोटा प्लेन बना देंगे, उसको स्केल मारते बैठेंगे, उसको स्केल दे देंगे इन लोग, और उसका सीन जनरेट करेंगे, मतलब उसका रेंडरिंग करेंगे। उसका रेंडरिंग प्रोसेस बहुत अलग होता है, अपना बहुत अलग है, तो उन लोग रेंडर करेंगे तो यही प्लेन उनको बहुत बड़ा दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ये धरती बहुत बड़ी है ऐसी, तो उसने उन्होंने स्पेशली प्लेन के अंदर दिया है। ये गेमिंग वालों की रिक्वायरमेंट थी, ये ऑफिन उन लोगों ने एड ऑन कर दिया है। 14, 13, 12 उसके अंदर भी है, वो बहुत पुराना है, मतलब जब से गेमिंग 3D में आया तब से ये इन लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, ये नया है टेक्स प्लस, आपको पुराने वर्जन में भी नहीं शायद मिले, नहीं मिले, नॉर्मल आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट ये 3D का, आप टेक्स्ट डाल सकते हो, आपको मॉडिफिकेशन करना है इसके अंदर, आपका खुद का नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है, आप लिख सकते हो, सकते। सब कर सकते हो, दिखाता हूँ। ये देखो लेंथ, आपकी जैसी लेंथ रहेगी, ये फॉन्ट दिया है, ये देखो, ये कोई सोच रहा है, ये
स्पेसिंग चाहिए आपको, बीच में ट्रैक्स वगैरह करना है, स्पेस रहता है ना बीच बीच में, गैप छोटा, और फिर दूसरा टेक्स्ट वो भी चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। ये आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी पढ़ा है ऐसा कुछ, अपना कुछ अलग दिखा है मैंने। ओके समझा, इतना टॉपिक तो मेरा समझ में आया सबको, ज्योमेट्री समझ में आई है। अभी भी किसी को ओवरऑल ज्योमेट्री में कोई डाउट, कोई भी डाउट किसी को नहीं है, पक्का नहीं है? या तो आपको कुछ भी नहीं समझ आए, या तो बहुत ज्यादा समझ में आया है, दोनों में से कोई तो एक है। पुणे वाले लोग किसी को कोई डाउट ज्योमेट्रीज में, एनी डाउट्स चैट बॉक्स में लिखना प्लीज। पुणे गाइस आर यू ऑनलाइन? लोरेट बानेर प्लीज, यस यस ओके। कोई डाउट है सर? एनी डाउट, यस और नो सर? नो ओके। अभी हम लोग ज्योमेट्री से, मैं आपको कुछ चीजें बना के दिखाता हूँ, सिंपल बॉक्स ही बनाते हैं अभी फिलहाल। ओके मैं बना रहा हूँ टेबल, नॉर्मल बेसिक टेबल, अपना बेसिक टेबल। वो ये मैंने बेस बना दिया इसका, ऊपर का बेस हो गया, मुझे बनाना है इसके अभी पैर। अगर आपका शेप राउंड चाहिए, आप एज अ सिलेंडर यूज कर सकते हो, बॉक्स रहेगा स्क्वायर में रहेंगे तो आप बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। कौन सा लू? बॉक्स, बॉक्स लू। ठीक है बॉक्स लेते हैं। ओके जो भी रहेगा, ठीक मैं ज्यादा वे क्या। ओके ठीक है, मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ फिलहाल। राइट अलाइनमेंट आपको जैसे चाहिए वही हिसाब से रखो। ये इसका कॉपी बनाना है अभी, राइट मेरा ध्यान है भाई। आप लोग है इंस्टेंस नॉट कॉपी, क्योंकि पैर मुझे सेम, मैं चेंज कर दूंगा समझो, हाइट मेरे को लगती नहीं यार ज्यादा हो गई, तो मैं चेंज करने के लिए इसको एक ही बार चेंज करूंगा तो सब के सब चेंज हो जाएंगे। ओके इन दोनों को पकड़ते हैं, शिफ्ट दबा के कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं मैन्युअली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका विजनरी पावर, आप मैन्युअली करोगे तो धीरे धीरे आपका विजनरी पावर बढ़ना चालू होगा। आप इमेजिन करोगे, आप स्केल को समझने की कोशिश करोगे। ओके अभी प्रस्पेक्टिव में देखते क्या बना, ये तो कुछ ऐसा बना मेरा। सरफेस ऊपर होना चाहिए था, सरफेस की थिकनेस ज्यादा हो गई, कम कर सकते अभी चेंज करके लेते, थिकनेस लगभग कुछ ऐसी ऊपर उठा दिया। अभी मेरा ऑब्जेक्ट है ना, देखो मैं सब ऊपर रहता हूँ ना, तो इधर किधर चला जा रहा है। ओके क्यों जा रहा है? एक तो मेरी स्नैपिंग ऑन है बराबर, अभी नहीं जाएगी। स्नैपिंग था इसलिए क्या कर रहा था, वो कोई स्नैप पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था, और इसको भी लेके जा रहा था साथ। स्नैपिंग पॉइंट की मुझे जरूरत है, क्यों है? क्योंकि मुझे इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर इसके ऊपर करनी है, तो मुझे स्नैपिंग से ही करना पड़ेगा। इतना पावरफुल और इतना एक्यूरेसी मेरे स्नैपिंग ही दे सकता है, इसलिए मैं स्नैपिंग को ऑन करूंगा एस। पर क्या हो रहा है, जब मैं लेके जाता हूँ तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर करता है। तो क्या है, स्नैपिंग के अंदर अपने को ऑप्शन में जाना है, ये दिख रहा है स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स, ये आपको ऑन करना है। अनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट, ये मेरा ऑफ था, इसकी वजह से वो इधर उधर भटकना चालू किया गया। ओके इन दोनों चीज को ऑन करना पड़ेगा। स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट मतलब फ्रीज ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑटोकैड में फ्रीज लेयर करके सुना रहेगा, लेयर को फ्रीज करने का मतलब क्या करने का, लॉक हो जाती है वो, कभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको अनफ्रीज नहीं करते हो, बराबर है राइट?
जो मतलब मुझे ऑटोकैड आती है, आता है मुझे ऑटोकैड मतलब, है ना, मैं बराबर बोल रहा हूँ ना? आता है ना? ठीक है। अभी देखो, काम करना चालू कर दिया, क्यों किया? ये मेरा ऑप्शन ऑफ था, कौन सा? अनेबल एक्सिस कंस्टेंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान देना, सोए रहेगा तो जाग जाओ। अनेबल एक्सिस कंस्टेंट अगर आपका ऑफ रहेगा, आप कितना भी स्नैप ऑन करके घूमते बैठेंगे तो वो पूरा घुमाते बैठेगा आपको, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन घुमाते बैठो, घूमते बैठो। ठीक है, ये मैंने ऊपर की तरफ लिया, इसको स्पेस बार से लॉक कर रहा हूँ मैं, लॉक ऑब्जेक्ट्स। आप देखोगे तो स्नैपिंग में मेरा क्या ऑन नहीं है, वर्टेक्स बाउंड ऑन नहीं है, बराबर। लॉक क्यों किया? क्योंकि मुझे एक ही एक्सेस में काम करना है, ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपरली बैठना चाहिए। पकड़ा, ये पॉइंट दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं ऐसे उसको मैनुअली नीचे लेके नहीं आ रहा हूँ, वो स्नैप में नीचे लेके आ रहा हूँ, मैं स्नैप को दूसरा पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैंने मूव किया। नहीं, मैं ये पकड़ूंगा और मैं इसको यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट तुरंत आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इसका टॉप वाला एक कोई वर्टेक्स पॉइंट या एक कोई पॉइंट मैंने इसको दे दिया, बस खत्म। लॉक को अनलॉक कर दो, ऑब्जेक्ट आपका बराबर उसके ऊपर बैठ गया, आपका कॉफी टेबल रेडी है। ठीक है, इन सबको ड्रैग करके सिलेक्ट करो। आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए आपके कितने ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अगर मैं एक पकड़ा है तो एक ही दिखाएगा, अभी बॉक्स एक ही पकड़ा है। कंट्रोल से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। अपने ऑटोकैड में भी है, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। मैं ड्रैग करके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फटक से सिलेक्शन चाहिए था, इसीलिए मेरा ड्रैग सिलेक्शन कर दिया। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, मेरे ऑब्जेक्ट 5 ही हैं, बराबर है, 2 4 पैर हो गए एकदम। और ऊपर का टॉप। ठीक है, इसको जाओ ग्रुप, मेनू बार में यहाँ पे है ग्रुप, ग्रुप, और इसको नाम दे दो टेबल या कॉफी टेबल, आपको जो भी नाम देना है वो आप दे दो। ओके, ग्रुप करने से क्या होता है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहीं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो इसके साथ सारे के सारे आएंगे, बराबर है? आप कोई टीम वर्क करते हो तो आपका एक ग्रुप बनाते हो, बराबर ना? समझो मैं बोलूंगा इसको अपने को अभी डिजाइन करने का, बराबर, तो कोई फर्नीचर डिजाइन करेगा तो फर्नीचर वालों का ग्रुप अलग रहेगा, कोई वॉल डिजाइन कर रहा होगा तो उसका रहेगा, कोई सीलिंग डिजाइन कर रहा होगा तो उसका ग्रुप अलग रहेगा। ग्रुप, तो ग्रुप एक एक कैंडिडेट्स सब मिला के एक ग्रुप बना के रखा। ऐसे ही आपको चेयर बना सकते हो आप, इससे ही आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ अलग है आप वो भी बना सकते हो, समझा? हाँ नॉर्मल अभी तो हम लोग बॉक्स ही है, बॉक्स पे ही अटके है, तो मैं ये एक बॉक्स से ऐसा कुछ बना रहा हूँ, एक सोफा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका हैंड रेस्ट हो गया, फिर मैनुअली, ये सब मैनुअली कर रहा हूँ, विजनरी कर रहा हूँ, आपको साइज के हिसाब से करना है, आप साइज के हिसाब से भी कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने यूनिट सेट करना नहीं सीखा है, इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है, सेम है, डिस्टेंस रहेगा, फिर इसी का ही मैं एक नीचे का बेस बॉक्स बनाता हूँ। ये मैं स्नैप से कर सकता था बट मैं मैनुअली कर रहा हूँ थोड़ा, तो मुझे एग्जैक्ट डालने की कोई कोशिश जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। इसका हाइट मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसका हाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसका सेटिंग आने वाला है दो, बराबर। अगर आपका सेटिंग एक ही है, पूरा एक ही बेस बना है पूरा, आप वैसा भी दिखा सकते हो, डिजाइन अलग अलग है सोफे की, बहुत सारी डिजाइन बनती है। ये आपको डब्बा दिखने वाला है, आप ऐसा मत इमेजिन करना कि प्रॉपर एकदम स्मूथ लेदर वाला आपको या कोई अच्छा वेलवेट का सोफा दिखने वाला है ना। मैं आपको एक जस्ट कि क्या बनता है, कैसे बना सकते हैं आप, एक बेसिक, अभी हम लोग बेसिक ही देख रहे थे, बेसिक से क्या क्या बन सकता है आपका। लेंथ ज्यादा है तो आपको कम करना है, ये मैं 3 सीटर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो आप 3 सीटर भी बना सकते हो,
बट मुझे अभी क्या आएगा, थ्री सीटर बनाने जाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो वो तो सेम दिखने वाला है, क्योंकि थ्री सीटर के अंदर आप देखोगे तो गद्दा स्मूथ रहता है, तो वो प्रॉपर डिवाइडेशन दिखता है, तो इसके अंदर डिवाइडेशन अभी स्मूथनेस है ही नहीं, तो शार्प है इसका एजेस, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो एक ही दिखने वाला है, वो तो अलग तो दिखने वाला है। तो क्या करते हैं, इसी का हाइट बढ़ा देते हैं और इसी का बैक रेस्ट बना देते हैं। ओके, एंगुलर स्नैप मुझे 45 डिग्री में बराबर है, अपने को 90 चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, शिफ्ट से कॉपी बनती है राइट, डायरेक्टली रोटेट कर देता हूँ 45 डिग्री, 90 डिग्री डिस्टेंस, ठीक है मैंने इंस्टेंस बनाया, अभी गड़बड़ हो गई मेरे से, मुझे इंस्टेंस नहीं चाहिए था, मुझे बनाना था कॉपी और मैंने गलती से बना दिया इंस्टेंस। अभी क्या आएगा, मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, मुझे इसका हाइट इतना तो नहीं चाहिए, बैक रेस्ट इतना बढ़ाने थोड़े रहता है, छोटा रहेगा, तो क्या करेंगे, अभी मुझे इंस्टेंस तो मैंने बना दिया है और मुझे 2 घंटे के बाद याद आया, अरे यार मैं अंडू नहीं कर सकता, अंडू करूंगा तो जितना 2 घंटा काम किया वो वेस्टेज है, गलती क्या हुई है, खाली इंस्टेंस मैंने बनाया। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डिलीट मार के वापस बनाओगे क्या, नहीं जरूरत नहीं है। क्या होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है, आपने इसका रिलेशन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है कैसे करते, यहां से मेक यूनिक मॉडिफिकेशन में बॉस को जो भी है उसके ऊपर क्लिक करना, सिलेक्ट करना उसको, और यहां पे लिखा है मेक यूनिक, ये इसका टूल है याद रखना, नाम लिख के लेना चाहिए तो मेक यूनिक, आप कभी बोलते हैं ये बंदा यूनिक है, मतलब क्या है, इन सब में से वो बंदा कुछ अलग है, बराबर ना, अलग है, इसलिए मेक यूनिक करना पड़ेगा आपको, और इसकी हाइट जो है वो थोड़ा कम करते हैं, विड्थ अगर आपको लगता है इसका विड्थ बढ़ाना चाहिए तो लग रहा है, बस ये सब मैन्युअली मैं दिखा रहा हूँ, एकदम स्नैपिंग से आप प्रॉपरली कर लो चाहे तो, या प्रैक्टिस के लिए आपको इतना भी आया गया बस है। ओके, इन सबको ड्रैग सिलेक्शन पहले एक बार पर्सपेक्टिव में चेक करते हैं कि बराबर बनाए कि नहीं बनाए, थोड़ा सा इधर हाइट में इशू है, अगर आपको लगता है ये भी कम चाहिए मुझे, रहते हैं ना कभी बैक रेस्ट, लो बैक रेस्ट वाले रहते हैं, तो आप ये भी कम कर सकते हो, ओके बस इतना, और कम चाहिए आप, आपके ऊपर है, ठीक है। ड्रैग सिलेक्शन ये सिलेक्ट हो गया गलती से मेरा, याद रखना सिलेक्शन करते वक्त आप क्या सिलेक्ट कर रहे होगे, यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, ये मैं हंड से इसको ड्रैग सिलेक्शन करूँ, बराबर, अपस कॉपी सॉरी ग्रुप, और यहाँ पे सोफा, ये आपको जहां पे चाहिए वहां पे जाके बिठा दो, ओके प्लान के अंदर ये आपके जो भी डिजाइन वहां पे प्लेस कर दो, ओके सबको समझा राइट, हाँ यस पुणे गाइस ये समझा, सर प्लीज कमेंट करना, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे तक तो आप कमेंट करो सर, चैट बॉक्स में लिखना, कोई डाउट सर, ये अभी जो दिखाया मैंने समझ में नहीं आया, या अगेन आपको दिखाओ ऐसा कुछ है, यस और नो सर, ओके आज के लिए मैं इतना ही ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का जो टॉपिक है आपने ये हमने अभी देखा था स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, ठीक है, ये सब ये थोड़े यूनिक्स है, ये सब थोड़े शायद आपको ये देख के बोलेगे कि ये क्या है, अलग है, ज्योमेट्री नहीं है, कुछ अलग शेप्स है, बट ये काम आने वाले हैं आगे जाके, आपको कोई डिजाइन बना रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कैरेक्टर पर डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको शायद ये काम आ सकते हैं, बट अपने को है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है आज के लिए तो मैं फिलहाल इतना ले रहा हूँ सर, पुणे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कवर कर लेंगे, ओके ओके थैंक यू। सर क्या कर, पॉज करता हूँ।